तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वीडियो शूट कैसे होती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी एक YouTube वीडियो क्रिएट कर सकते हो। तो जो जो चीज़ें यूज़ होती है वीडियो शूट होने में, अगर मैं उस सभी चीज़ों को निकाल दूं तो वीडियो क्वालिटी कुछ ऐसी दिखेगी। तो लाइटिंग और माइक निकाल दे तो वीडियो और ऑडियो क्वालिटी में इतना फर्क पड़ता है। अभी भी एक रूफ लाइट चालू है, तो बने रहिए वीडियो में, एंड तक बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ है वो है कैमरा। तो आजकल हर स्मार्टफोन 1080p और 4K पर वीडियो शूट कर सकते हैं। तो सभी लेटेस्ट स्मार्टफोन को आप यूज़ कर सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। मैंने भी स्टार्टिंग में अपने मोबाइल से ही वीडियो शूट किया था। मेरा मोबाइल है Redmi Note 9 Pro Max। अगर आपको जानना है कि मेरे मोबाइल से शूट किए हुए वीडियो की क्वालिटी कैसी है, तो आपको आई बटन पर मैं वीडियो डाल दूंगा, तो आप चेक कर सकते हो। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको कैमरा परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये वीडियो कैमरे से शूट हो रही है, पर मेरे चैनल पर मोस्ट ऑफ वीडियो मोबाइल से ही शूट हुए हैं और उसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हो। मोबाइल से शूट करते टाइम आपको अपनी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करना है, उसके लिए आपको ओपन कैमरे का यूज़ करना है। ओपन कैमरा ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप अपना ISO है वो फिक्स कर सकते हो, और ज़्यादातर आजकल के मोबाइल में प्रो मोड आता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, और उससे आपको मैक्सिमम क्वालिटी अचीव हो जाएगी। अभी आप जो क्वालिटी देख रहे हो वो कैनन के 200D Mark II से शूट हो रही है, और इसका वीडियो भी मैं आई बटन पर डाल दूंगा। चलिए हमारी दूसरी चीज़ है वो है माइक। तो अभी मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ बोया का BY-M1 माइक, जो कि एक कॉलर माइक है। इसका भी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो डाल दिया है, जो कि आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। इस माइक के बिना आपको अगर क्वालिटी देखनी है वो इसकी, तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो इस कैमरे से सुन रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होगी। तो अच्छी ऑडियो क्वालिटी के लिए आपको एक माइक परचेस करना पड़ेगा। ऑडियो क्वालिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वीडियो का। चलिए हमारी तीसरी चीज़ है वो है लाइटिंग। अगर हम वीडियो में लाइटिंग हटा दें तो आपने देख ही लिया स्टार्टिंग में कि हमारी क्वालिटी कैसी हो जाए। तो वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइटिंग का। तो लाइटिंग के लिए मैं अभी एक रिंग लाइट यूज़ कर रहा हूँ। तो रिंग लाइट मैंने लोकल मार्केट से परचेस की थी, जो मुझे 2000 रुपीज़ में पड़ी थी। और अगर आपको 1500 के आसपास रिंग लाइट चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आप रिंग लाइट परचेस कर सकते हो, और अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप एक स्टूडियो लाइट भी परचेस कर सकते हो, जो आपको करीबन 15,000 की आएगी। तो नेक्स्ट चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है एक ट्राईपॉड। आपको अपने कैमरे को कहीं पर स्टेबल रख के शूट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं ज़रूर रिकमेंड करता हूँ एक ट्राईपॉड परचेस कर लो। अगर आपका स्मार्टफोन है तो उसका ट्राईपॉड 300 रुपये में आ जाएगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और अगर आपके पास एक कैमरा है तो उसका ट्राईपॉड आपको करीबन 1500 में मिलेगा, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। चलिए अगली चीज़ है वो है हमारा बैकग्राउंड। तो अगर आपके पास कोई स्टूडियो नहीं है तो आप इस तरीके से ग्रीन स्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। इस ग्रीन स्क्रीन को आप किसी भी बैकग्राउंड के साथ रिप्लेस कर सकते हो। आप किसी भी प्लेन ग्रीन कपड़े को लगा सकते हो अपनी दीवार पर, और ये ध्यान रखो कि वो कपड़ा लाइट ग्रीन हो। मैंने ये कपड़ा लोकल मार्केट से परचेस किया है, और अगर आपको ये लिंक चाहिए तो मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप ऑनलाइन भी इसे परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि कैसे आप इस ग्रीन स्क्रीन को बैकग्राउंड के साथ रिमूव कर सकते हो और इसमें आप कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हो, तो सिंपली आप आई बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रख के एक बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की वीडियो बना सकते हो। सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आपको मेरी और भी वीडियोस देखनी है तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।